जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका वचन 6 और 7। वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं कि दुष्टता की बेड़ियाँ तोड़ी जाएं, जुए के बंधन काटे जाएं, सताए हुए स्वतंत्र किए जाएं और प्रत्येक जुआ तोड़ डाला जाए। 7, क्या वो ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो और बेघर कंगालों को घर में ले आओ, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ और अपने आप को अपने जाति भाइयों से ना छिपाओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में शिफा है और शिक्षा है। दोस्तों, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें उस उपवास के बारे में बताता है जो हम करते हैं और हमें उपवास कैसे करना चाहिए। और बाकायदा अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उस उपवास में रहें, यानी कि परमेश्वर का दिया हुआ उपवास ये है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम भूखों को रोटी दें, कंगालों की सुधी लें, विधवाओं की सुधी लें, हम उस बंधन को तोड़ें, हम उस घमंड को तोड़ें अपने अंदर से और दीनता को अपने अंदर लेकर आए। सबसे बड़ा उपवास यह है कि हम अपने स्वरूप को, स्वभाव को बदलें। और ये उपवास हमारा कब शुरू होता है? जब हम नई सृष्टि में प्रवेश होते हैं। हम वो 40 दिन का उपवास में ही अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम 40 दिन में ही उपवास करते हैं और परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन नए नियम के अनुसार हमारा उपवास उस दिन शुरू होता है जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया। उस दिन हमारा उपवास शुरू होता है जिस दिन हम नई सृष्टि में आए, पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई। और वो नई बातें क्या हैं? कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम भूखों को रोटी दें, हम कंगालों की सुधि लें, हम विधवाओं की सेवा करें, हम बंधनों को तोड़ें, अपने घमंड को अपने अंदर से निकालें, अपने अहम को अपने अंदर से निकालें, अपने स्वार्थ को अपने अंदर से निकालें और दीनता को अपने अंदर बसा लें। ये हमारा सच्चा उपवास है। और ये उपवास हमारा कब तक चलेगा? जब तक यीशु मसीह धरती पर नहीं आ जाता। बादलों पर सवार होकर जब तक वो आएगा, हमें लेकर जाएगा, तब तक हमारा उपवास हमारे साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, हम अपने मन को उस उपवास के द्वारा, हम अपने मन को, अपने हृदय को उपवास के लिए तैयार करें और उस उपवास में हमेशा रहें। वो बोझ हमेशा हमारे मन में रहे कि हमें कैसा उपवास करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसा स्वभाव हमें अपने मन में रखना है, कैसा स्वरूप हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है, मेरे भाई, मेरे दोस्त। और वो चाहता है कि हम उसके नियम के अनुसार उसके जैसा स्वभाव अपने अंदर लेकर आए। और वो तभी संभव होगा जब हम वाचा के साथ उस उपवास में रहेंगे कि नहीं, आज का दिन, आज का पल, आज का क्षण परमेश्वर के लिए समर्पित है और परमेश्वर के वचन ही मेरे लिए सिद्धता की निशानी है। परमेश्वर का वचन ही मुझे दृढ़ करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मुझे संसार में चलना है। ये उपवास की एक शिक्षा है, ये उपवास की एक चुनौती है। और इस चुनौती को हमें हर पल धारण करना है, हर पल महसूस करते हुए जीवन को जीना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर पल उपवास में रहें, हर पल, हर क्षण हमारा मन उपवास में रहे, हमारा शरीर उपवास में रहे, ताकि हम परमेश्वर के बने रहें और कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और दृढ़ता मांगते हैं ताकि वो हर पल अपना जीवन उपवास में बिता सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।